इस्लामाबाद हाई कोर्ट के छः जज़ज की तरफ से सुप्रीम जुडिशल कोंसिल को लिखा जाने वाला एक ख़त एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गया है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास भी हुआ जिसमें इस खत के मंदरजात पे गौर किया गया और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत वकला की बहुत सी तनज़ीमों ने इस खत के बारे में मुतालबा किया है कि इसमें जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए और ये जो छः जजेस का ख़त है इसकी जो बुनियाद है वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी साहब के बारे में जो एक हालिया फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उसको बनाया गया है तो पहले हम जरा आपको बता देते हैं कि ये ख़त जो है उसके बुनियादी नकत क्या हैं इस ख़त में छः जजस जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम खुफिया एजेंसियों की तरफ से जजस के काम में मुदाखलत और उन्हें दबाव में लाने से मतलब रहनमाई चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जस्टिस शौकत की बरतरफी को बदनीति करार दिया जिससे जस्टिस सदीकी की जीत हुई ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अजाला मुमकिन नहीं हम जस्टिस शौकत के इल्ज़ाम की तहकीक़ात के मुतालबे की हमायत करते हैं और चाहते हैं कि पता चले कि अहलकार अदालती मामलों में मुदाखलत करते हैं या नहीं और ये बताया गया कि जिन दो जजज़ ने टेर एंड वाइट केस को नाकबले समाप्त करार दिया उनको धमकियाँ दी गई एक जज को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हस्पताल में दाखिल होना पड़ा और इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो उन्नीस मई दो हज़ार तेईस को भी एक खत लिखा गया था और उसके बाद फरवरी दो हज़ार चौबीस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया था और इन जजेस ने फॉर्मर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से भी मुलाकात की और उस वक्त जब मुलाकात की तो मौजूदा चीफ जस्टिस कादी फ़ाजीसा साहब के साथ भी मुलाकात की और इन्होंने दरख्वास्त किया है कि अदालती अमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मदाखलत और अदलिया की आज़ादी को मज़रू करने पर एक जुडिशल कन्वेनशन बुलाया जाए ये जुडिशल कन्वेनशन का जो मुतालबा है ये क्यों किया गया है तो हम गुफ्तू करेंगे और आज का जो हमारा पैनल है उसमें हमने जहमत दी है जनाब जस्टिस शौकत अजी सिद्दीकी साहब को जो हमें जॉइन कर रहे हैं और उनके साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनमाए और इस्लाम आबाद से रुकन कौमी असम्बली है और सदर हैं इस्लाम आबाद हाई कोर्ट बार एसोसीिएशन के जनाब रियासत अली आज़ाद साहब इससे पहले डिस्ट्रिक्ट बार एसोसीिएशन के भी प्रेजिडेंट रहे हैं उनको भी हमने दावत दी है तो सबसे पहले शौकत शौकत साहब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो छः जजेज हैं इस्लाम आबाद हाई कोर्ट के इन्होंने जो खत लिखा है इस खत में इन्होंने मुतालबा किया है कि जो आपके जो मुतालबात आपका जो मुतालबा है कि तहकीकत की जाए तो उसकी इन्होंने हमायत की है मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त इनमें से किसी जज साहब ने आपको सपोर्ट किया था जी हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपने मुझे बड़े ही एक बर्निंग इशू के ऊपर बात करने का मौका दिया मैं स्टेट वे आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि जब मेरे जब मैंने 21 जुलाई 2018 को तकरीर की और उसके बाद से मेरे जो साथी जैज साहबान थे इनका मेरे साथ रवैया जो है वो कुछ इस तरह का हो गया था जैसे अजनबीयत आ गई हो और फिर आ, मेरी जो लास्ट मुलाकात अपने इन साथी जजिस से थी वो 30 सितंबर 2018 को थी उसके बाद से लेकर 22 मार्च 2024 तक मेरे जो उस वक्त के साथी जजेस थे स्वामिया गुल हसन औरंगजेब साहब के किसी के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई हाँ अतर साहब से एक दफा इंसिडेंटली जब यही आफरीदी साहब के वाल साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं वहां गया तो वहां पे उनसे मुलाकात हुई तो मेरा हवाले से जब ये मामला हुआ तो उस वक्त आ, बार एसोसिएशन जो इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, बार एसोसिएशन थी हेडेड बाय रियासत अली आजाद साहब उस वक्त की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार कौंसल किसी ने भी मेरा हक में कोई आवाज बुलंद नहीं की थी मैंने अकेले तन तनहा ये जंग लड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जंग जीती और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये सुरखरू हुआ आज जो मेरे इन साथी जजेस ने जो शिकायत की है ये बेसिकली इट मेरी विंडिकेशन है और मेरे उस चीज़ को सब्सटेंशिएट कर रही है जो मैंने 21 जुलाई 2018 को की अच्छा तो ये जो अब इनका मुतालबा है आपकी विंडिकेशन भी है तो अब जो इनका मुतालबा है इसकी आप हमायत करते हैं ये ये कह रहे हैं जी कि हमारे साथ भी तकरीबन वही कुछ हो रहा है जो शौकत साहब के साथ हुआ तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जुडिशल कन्वेन्शन बुलाने का इन्होंने मुतालबा किया है मीर साहब मैंने इक्कीस जुलाई दो हज़ार अठारह को तक्रीर की थी और उस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस मियाँ साकिि निसार साहब का एक रद्द आया था और मैंने 22 जुलाई 2018 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब को एक खत लिखा था मैंने कह मैंने कहा जी कि ये जो बातें की हैं इसके हवाले से आप कोई एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करें जो इस मेरे इल्जाम की तहकीकत करे चाहे वो सिटिंग जज हो सुप्रीम कोर्ट के या रिटायर्ड जज हो लेकिन सिर्फ मेरी कंडीशन ये थी कि उन्होंने किसी वक्त भी जिंदगी में पीसीओ के तहत हल्फ ना उठाया हुआ लेकिन के ऊपर नहीं हुआ फिर मेरे खिलाफ जब ये आ, एस टी सी ने आ, मुझे रिमूव किया कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की आ, फिर आ, मेरी पटिशन में जो है वो ये चीजें मौजूद थी फिर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन जो उस वक्त चौधरी खानजादा साहब सदर थे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के और कराची बार एसोसिएशन ने तो पटिशन इस बुनियाद पे की थी कि ये एक हाई कोर्ट के सीनियर जज की तरफ से बड़े सीरियस इल्जाम हैं इनकी तहकीकत होनी चाहिए लेकिन छः साल का अरसा गुजर गया तैकिकात नहीं हुई मैंने तो आ, आ, आपके चैनल के प्रो आ, के ही प्रोग्राम शाहजेब खानजाजा साहब के साथ 22 मार्च 2024 को कह दिया था कि कोई भी किसी भी सतह पे अगर कोई इंक्वायरी होती है तो मैं पेश होकर अपना स्टेटमेंट दूंगा और, जी अच्छा अब इस की बिल्कुल करता अच्छा आप हमारे कर रहे हैं इनके की। अच्छा। अब ये जो छह इसमें से मेरा ख्याल है जस्टिस बाबर सतार साहब और जहांगीरी साहब ये तो रिसेंटली जज बने ये तो उस वक्त जज नहीं थे जब शौकत अजीजी साहब वाला मामला हुआ तो आज जो आपकी सदारत में जो इजलास हुआ इस्लाम आबाद बार एसोसिएशन का उसमें आपने ये इनकी मुतालबा किया है कि जी ये जो इसमें इल्जाम लगाए गए हैं इसकी इंक्वायरी करवाई जाए अब सवाल ये पैदा होता है बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि जब शौकत अली सिदीक़ी साहब के साथ ये वाक़ हुआ तो उस वक्त इतना सख्त स्टैंड नहीं लिया गया तो अब आपने फ़ौर इन जजेस की हमायत का ऐलान कर दिया इसकी क्या वजह है जी बिशमिल्लामान रही सबसे पहले तो मैं सदीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे एक ऑनरेबल बड़े अपराइट ऑनिस्टी और इंटेगटी वाले जज थे अब मैं आता हूँ दूसरे सवाल की तरफ कि उस वक्त हमने मौक़ क्यों नहीं दिया था उसमें एक रीज़न आड़े आई थी चूँकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में उस वक्त मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के रेफरेंस पेंडिंग थे और उस पर प्रोसीडिंग जारी थी अब इस केस को उसके साथ इस हवाले से नहीं मिलाया जा सकता कि इन जजेस के खिलाफ इस वक्त कोई रेफरेंस पेंडिंग नहीं है लेकिन एक एक रेफरेंस गया जरूर है वो आ, सारे वो खत्म हो गए अख्तर साहब वो सारे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो सारे अच्छा। डिसमिस कर दिया अच्छा डिसमिस तो उसमें और इसमें ये मुसलत नहीं थी इसलिए आ चूंकि ये पाकिस्तान की तारीख का जुडिशल हिस्ट्री का ये अनप्रेसिडेंटेड ये केस है कि जिसमें छः मजद जजेज साहबान ने ये शिकायत की है और उन्होंने पहले चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को की फिर उन्होंने जो हमारी अपेक्स कोर्ट है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम काजी फैजीसा साहब को लिखा कि ये ये मामला हो रहे हैं और ये मई दो हज़ार तेईस से हो रहे हैं इंटरनली इस चीज़ को उन्होंने ट आउट करने की कोशिश की नहीं हुआ और अल्टीमेटली उन्हें यह खत लिखना पड़ा हाँ। और हम इसलिए मुतालबा करते हैं कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह बड़ा कैटेगरिकली लिखा हुआ है और जो अलजहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान 1989 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जजमेंट है उसके अंदर ट्राइकाटमी ऑफ पावर्स को बड़ा डिफाइन कर दिया गया अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया और हम बींग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुकन्ना अदलिया और इंतज़ामिया इनको अपने अपने डोमेन में रह के काम करना है तो मैं समझता हूँ कि अगर आज़ाद अदलिया जिसके लिए आपने तहरीक भी चलाई और दो साल इन सड़कों पर डंडे भी खाए आप भी उसके अंदर शामिल हुए और आपका प्रोग्राम भी बंद था और आपने कंटेनर पर मेरे साथ खड़े होके मुझे याद है मैं सहकती था आपने वो प्रोग्राम वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से किया था और जून का महीना था अगर हमने वो तहरीक चलाई थी तो हम चाहते आज भी कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद अदलिया हो रूल ऑफ़ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो और किसी जगह पे भी वायलेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स नहीं होनी चाहिए अगर ऐसा है तो हम उस पाकिस्तान को जिसके लिए हमने तहरीक चलाई थी ये वो पाकिस्तान नहीं है हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जिसके अंदर मेरे बच्चे और इस कौम के बच्चे रह सकें पढ़ सकें और बड़े हो सकें इसलिए आज हमने इस मौक़ की तायद की है और हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया